This is Sparta! रोम। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में बड़े बड़े शानदार आर्किटेक्चर के नमूने आते हैं। वहीं एंशियंट रोम की बातें करें तो इनकी संस्कृति और भव्यता पर कई हॉलीवुड फिल्म्स भी बनी हैं। आपने अक्सर इन फिल्म्स में ये मशहूर कोट इन रोम डू एज रोमन्स डू सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों से अलग हजारों सालों पहले प्राचीन रोम के लोगों की कुछ ऐसी लाइफ हुआ करती थी जिसके बारे में जानकर आप इस कहावत पर कभी अमल नहीं करना चाहोगे। यूरिन को माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करने से लेकर दूसरे इंसान का खून पीने तक प्राचीन रोम के लोगों की कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हुआ करती थी जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यूज ऑफ यूरिन इन डेली लाइफ। दोस्तों, हमारे देश में गौमूत्र से जुड़ी मान्यताएं और उसके इर्द गिर्द होती कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन रोम में गौमूत्र का इस्तेमाल तो छोड़िए, इंसानों की यूरिन का भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन रोम में यूरिन को बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज समझा जाता था। इनफैक्ट यूरिन को कलेक्ट कर उसका बड़े पैमाने पर बिजनेस किया जाता था और उस पर टैक्स भी लगता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस यूरिन को खरीद कर लोग इसे करते क्या होंगे, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस यूरिन का इस्तेमाल माउथ वॉश की तरह किया जाता था। दरअसल रोमन लोगों का मानना था कि यूरिन से दांत सफेद मोतियों की तरह हो जाते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल वो माउथ वॉश की तरह करते थे। और अगर इससे काम ना बने तो रोमन्स आइवरी बोन्स और कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर नकली दांत बनाते थे। इतना ही नहीं, बड़ी टंकी में यूरिन डालकर सबके कपड़े इकट्ठा कर सार्वजनिक रूप से फुलॉन्स जो कि ड्राई क्लीनर्स होते थे यूरिन की टंकी में जाकर रगड़ रगड़ कर कपड़े धोया करते थे। अगर आपको सुनकर अजीब लग रहा है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे ऐसी और कई चीजें आपको पता चलेंगी जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एनर्जी ड्रिंक। अब प्राचीन रोम में पीने वाले इस एनर्जी ड्रिंक को ले लीजिए जिसे बकरी के मल से बनाया जाता था। इस एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए वो पहले बकरी के मल को पीस कर सुखा लेते थे, जिसके बाद उसे विनेगर में मिलाकर पिया जाता था। अगर प्राचीन कहानियों की माने तो रोम के सम्राट नीरो का मनपसंद ड्रिंक हुआ करता था। इतना ही नहीं, वो लोग बकरी के मल का इस्तेमाल घायल हुए सैनिकों की चोटों और घावों को ठीक करने के लिए भी करते थे। ब्लड। अगर आपने कभी कोई रोम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज या रोम के इतिहास से जुड़ी कोई मूवीज देखी हैं, तो आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में रोम में एक प्रकार का बड़ा अजीब खेल खेला जाता था, जहां कोलेजियम नाम की कुछ इस तरह की जगह पर ग्लैडिएटर्स जो कि योद्धा होते हैं को एक दूसरे से भरी भीड़ के सामने लड़ाया जाता था। लड़ाई में जब एक ग्लैडिएटर जीत जाता था तो फिर उसे भी मारकर उसके खून और अंगों को बेचा जाता था, और फिर उसके खून का इस्तेमाल डॉक्टर्स इनफर्टिलिटी और एपिलेप्सी से पीड़ित लोगों को ठीक करने के लिए किया करते थे। ड्रिंकिंग पॉइजन। वैसे अगर पीने की बात करें तो हम आपको प्राचीन रोम से जुड़ी एक और रोचक तथ्य बताते हैं कि प्राचीन रोम में एम्परर्स हर रोज बेहद कम मात्रा में जहर कंज्यूम करते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। टॉयलेट एंड बेथिंग सिस्टम। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रोमन्स को साफ सफाई बेहद पसंद थी। इनफैक्ट दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट रोमन्स ने ही बनाया था, और उस वक्त रोम में 140 सार्वजनिक शौचालय हुआ करते थे। हालांकि आज के आधुनिक टॉयलेट से अलग वो कुछ इस तरह का हुआ करता था। इस तरह के सार्वजनिक शौचालय का लोग इस्तेमाल करके वहां टॉयलेट पेपर के बदले कुछ इस तरह के स्पंज का इस्तेमाल करते थे और उसे धोया भी नहीं जाता था। और वहीं अगर नहाने की बात करें तो प्राचीन रोम के लोग साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे। साबुन के बदले वो अलग अलग प्रकार के तेलों को अपने शरीर पर लगाकर एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल उनके शरीर पर कर शरीर को साफ करते थे। वियर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर संस्कृति हर दौर में ब्यूटी के मायने अलग अलग होते हैं और ये हमेशा ही बदलते रहते हैं। प्राचीन रोम के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यूनिब्रोज को काफी खूबसूरत माना जाता था, और लोग अलग अलग पदार्थों से पेस्ट बनाकर डार्क यूनिब्रोज बनाया करते थे। इतना ही नहीं, महिलाएं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए भेड़ के ऊन यूरिन प्लेसेंटा सल्फर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। कहा जाता है कि इन सब से बनाए गए मेकअप की गंध इतनी बदबूदार होती थी कि महिलाएं इसे छुटकारा पाने के लिए
बड़े बड़े कैंस के परफ्यूम ऑयल्स को एक दिन में इस्तेमाल कर खाली कर देती थी। कलर ऑफ क्लोथ्स एज स्टेटस सिंबल। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता गया, स्टेटस का सिंबल भी बदलता गया। एक समय था जब विदेशों में पंपकिंस को पार्टीज में ले जाना स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। वहीं आज के समय में ब्रांडेड कपड़े, शूज और कार्स को स्टेटस सिंबल के रूप माना जाता है। ऐसे ही प्राचीन रोम की बात करें तो बैंगनी रंग यानी कि पर्पल कलर को एक स्टेटस सिंबल का प्रतीक माना जाता था और इसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। इसे सिर्फ राजा या सेना के लोग पहन सकते थे। दरअसल इस रंग को खास तौर पर एक प्रकार की सी हेल्स जिसे म्यूरेक्स कहा जाता था से बनाया जाता था। अगर कोई और इंसान इस रंग के कपड़े पहने दिखाई देता था तो उसे काफी कड़ी सजा सुनाई जाती थी। रोमन पार्टीज। वैसे अगर राजा और स्टेटस की बात चली रही है तो हम आपको बता दें कि रोमन के अमीर लोगों की पार्टीज भी सबसे अलग और सबसे शानदार हुआ करती थी। घंटों तक चलने वाली इन पार्टीज में खाने पीने का भरमार इंतजाम किया जाता था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन पार्टीज में सबसे अजीब बात यह थी कि अमीर रोमन्स लगातार खाते पीते रहने के लिए बीच बीच में उल्टियां करके अपने पेट में जगह बनाया करते थे। लेफ्ट हैंडेड पीपल। आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि प्राचीन समय में कई देशों में लेफ्ट हैंडेड लोग, खासकर महिलाओं को अशुभ और डायन माना जाता था और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर सब मिलकर मार देते थे। प्राचीन रोम में भी लेफ्ट हैंडेड लोगों को काफी अनलकी समझा जाता था। इनफैक्ट इंग्लिश का शब्द सिनिस्टर, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, का लैटिन में मतलब लेफ्ट था। सोचने वाली बात यह है कि यह एक दौर था जहां लेफ्ट हैंडेड लोगों को अनलकी समझकर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर आप भी लेफ्ट हैंडेड लोगों में से हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब समय बदल गया है और समय के साथ इस वीडियो में बताई गई सारी प्रथाएं भी लुप्त हो गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि रोम की सभ्यता के पीछे ऐसी प्रथाएं छुपी होंगी? वैसे क्या आप भी प्राचीन रोम से जुड़े कुछ और ऐसे अजीब और गरीब तथ्यों के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन करना ना भूलें।